हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ, लेकिन कुछ दिन पहले मैं बिल्कुल ठीक नहीं थी। और इसी रिलेटेड आज की वीडियो है, जो कि आपने थंबनेल में देखा। मैं एक बहुत ही सीवियर ईयर इन्फेक्शन से गुजर रही थी, जो कि बहुत ही डरावना दिख रहा था। और इस वीडियो में जो भी फुटेज आप देखेंगे वो बिल्कुल असली है, मेरे असली कान का। पर खुशी की बात यह है कि मैंने बहुत ही आसानी से इससे निजात पा लिया है। बिल्कुल 2 दिन के अंदर लगभग 90% मैं क्योर हो चुकी थी। तो अब मैं असली फुटेज शेयर करने वाली हूँ, जो कि डे 1 का है, जिसमें कि कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया गया था। तो अगर आप खाना वाना खा रहे थे तो मत देखिए, बहुत ही ग्रॉस दिखता है। तो ये है डे 1 का पिक्चर, देख सकते हैं कितना बुरा हाल हो गया था। मैंने बहुत ही मुश्किल से ये फुटेज लिया है अपने ही हाथों से, और देख सकते हैं कैसे वाटरी डिस्चार्ज हो रहा था। लेकिन यह ऊपर से देखने में कान बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, मानो कि कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन पीछे जो सॉफ्ट पोर्शन है वहाँ पे बिल्कुल बुरा हाल हो चुका था। पीछे का जो स्किन है बिल्कुल प्लास्टिक की तरह हो चुका है, देख सकते हैं किस तरह से, मानो ये स्किन हो ही ना, ये कोई सिंथेटिक का कवरिंग है। और पूरा कान इस तरह से हो चुका है, और बीच में ये वाटरी डिस्चार्ज हो रखा है। और कान के जो साइड है वो सोलन भी हो चुका है, यानी सूज गया है। और बीच में ये जो देख रहे हैं ये वाटरी डिस्चार्ज हो रखा था, और कभी कभी वाटर इतना, वो डिस्चार्ज इतना ज़्यादा हो रखा था कि बिल्कुल कान से बह रहा था। देखने में ये बहुत ही डरावना लग रहा था, गंदा लग रहा था, लेकिन एक्चुअली ये बिल्कुल भी पेनफुल नहीं था। जनरली इन्फेक्शंस बहुत दर्दनाक होती है, लेकिन इन माय केस ये एक फंगल इन्फेक्शन है, और ये बिल्कुल भी पेनफुल नहीं था, थैंक गॉड। लेकिन बहुत इरिटेटिंग सा लग रहा था, आप देख ही रहे हैं क्या हाल है इसका। और डिस्चार्ज भी हो रखा था और स्किन ड्राई भी हो रखे थे, क्योंकि स्किन की शेडिंग हो रही थी। और इसके वजह से मुझे डॉक्टर से कंसल्ट भी करना पड़ा था। और मैं इस वीडियो में जो भी कुछ कहने वाली हूँ वो मेरी नहीं, बल्कि मेरे डॉक्टर ने मुझे जो भी बताया है कि ये क्यों हुआ है और किस तरह से हम इसको रोक सकते हैं, और किस तरह से मैंने इसको क्योर किया है 2 दिन के अंदर, डॉक्टर ने क्या क्या दवाइयाँ था और उसका प्राइस और उसका नाम, तो ये सब मैं बताने वाली हूँ होलिस्टिकली, तो वीडियो में बने रहिए। तो इसका रीज़न जो डॉक्टर ने मेनली मुझे बताया वो है डैंड्रफ। जी हाँ, जो स्कैल्प में हमारे होते हैं और ख़ास करके सर्दियों में होती है, वही डैंड्रफ इसका मेन वजह है। और डैंड्रफ की वजह होती है फंगस। जब डैंड्रफ हमारे स्कैल्प से लेकर कानों में झड़ती है, तो वही डैंड्रफ से जो फंगस है वो कानों में आके ईयर फंगल इन्फेक्शन बनाती है। तो खैर, डैंड्रफ एक बड़ा टॉपिक है जिसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो अब देखते हैं डॉक्टर ने हमें क्या क्या रिकमेंड किया था और दवाई दिया था। डॉक्टर ने मुझे 2 लोशंस दिए थे और कोई भी ओरल पिल्स नहीं दिए थे। तो 2 लोशंस में से ये पहला है, जिसका नाम है सुप्राजेंट लोशन, और ये 30 ml में आता है और बहुत ही अवेलेबल है, दुकान में किसी भी दुकान में मिल जाएगी। और ये सिर्फ एक्सटर्नली आप यूज़ कर सकते हैं, यानी बॉडी के अंदर आप कोई भी इन्फेक्शन के लिए ये लोशन इस्तेमाल ना करें। और ये बहुत ही कम दाम में आता है, बस 59 rupees कीमत है, बहुत ही अफोर्डेबल है। तो इस तरह से आई ड्रॉप की बोतल की तरह ये आता है, और मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगी। बहुत ही वाटरी सा इसका टेक्सचर है, बिल्कुल ही पतला है। दूसरा जो लोशन दिया था वो इससे थोड़ा सा गाढ़ा है, लेकिन ये बिल्कुल ही पानी की तरह है। एक कॉटन बॉल लेके साफ हाथों से आप इसे लगाएं। लेकिन जो दूसरा लोशन है, अनफॉर्चुनेटली वो अभी मुझे मिल नहीं रही, कहीं खो गई है, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट फार्मेसी से लेके लगा दूंगी। तो ये रहा, जिसका नाम है क्लोट्रिमाजोल, और इसका कीमत है 115। तो आपने देखा कि दोनों ही लोशंस बहुत ज़्यादा कीमती नहीं है, अफोर्डेबल है, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत ही मतलब सरप्राइजिंग है। जस्ट 2 दिन के अंदर बहुत सारा चेंज आए। तो चलिए देख लेते हैं कि डे 2 में कैसा दिखता था। तो ये फुटेज है डे 2 का, यानी जो 2 लोशंस है वो मैंने एक दिन ही लगाया था, दिन में 2 बार, एक बार नहाने के बाद अच्छे से साफ़ करके, और एक बार रात को सोने से पहले ठंडे पानी से अच्छे से साफ़ करने के बाद अप्लाई किया था। और रिज़ल्ट आपके सामने है।
जो रेडनेस थी वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी और सूजन भी कम हो चुकी है, और जो वाटरी डिस्चार्ज हो रहा था वो भी कम हो चुकी है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा रह गया है। और ये डे 3 का है, यानी कि 2 दिन अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं कितना ड्रास्टिक इसका इम्प्रूवमेंट हुआ है। और ये इन्फेक्शन बहुत ही मतलब कॉमन है, इसलिए मैंने इसका डे बाय डे इम्प्रूवमेंट का फुटेज निकाल के रखा है, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए अगर आप भी सेम प्रॉब्लम से गुजरते हैं। ये वीडियो एक हेल्पिंग पर्पस के लिए बनाया गया है, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको अगर ऐसा कुछ होता है तो आप तुरंत एक डॉक्टर से सलाह कीजिए, कोई डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर कोई भी मेडिसिन डॉक्टर से आप ज़रूर कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही कुछ अप्लाई कीजिए। आफ्टरऑल ये आपकी हेल्थ के सवाल है और स्किन आपकी सेंसिटिव हो सकती है, इसलिए कोई भी लोशन डायरेक्टली अपने इन्फेक्टेड एरिया पे अप्लाई मत कीजिए। पहले थोड़ा सा अपने हाथों पे लगाइए, फिर आपको अगर सूट होता है, कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं होता है, फिर आप अप्लाई कीजिए। और बेस्ट तो यही रहेगी कि आप डॉक्टर से सलाह कीजिए, उसके बाद ही कुछ अप्लाई कीजिए। तो ये था आज का वीडियो, होप आपको पसंद आया होगा, कुछ जानकारी मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।